Hi beautiful children, welcome to your own Akash Baiju's Meet channel and today I'm meeting you for a very important session. हमने पहले किया है important diagrams in biology. मैंने आपको botany और zoology दोनों के important diagrams बताए which are taken from NCERT जिनसे question आता है. So kids, today I'm meeting you for another such session wherein I'm going to discuss about the important graphs in biology. हम ग्राफ से थोड़ा सा डरते हैं और इनको रिवाइज करना भूल जाते हैं, लेकिन हर साल पेपर में आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पक्का मिलेंगे. सो मेक श्योर दैट यू डू ऑल द ग्राफ्स गिवन इन एनसीईआरटी. आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूँ ग्राफ्स के, जिनमें से प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं. यू कैन नॉट, आई रिपीट, यू कैन नॉट मिस द ग्राफ्स गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास 11th की बात करूं आपसे, तो क्लास 11th में आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. दिस इज द चैप्टर 13, प्लांट फिजियोलॉजी का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 13, इसमें से बच्चों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स. हमारे पास प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए रहता है. मेजरली वी टॉक अबाउट द एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, क्योंकि वो काफी ओवरलैपिंग रहता है. तो सबसे पहले यू शुड नो वेरी नाइसली कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, राइट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ विबग्योर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. और वेन वी प्लॉट अ ग्राफ, आप देखोगे ऑन एक्स एक्सिस यू हैव द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे आपने ले ली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट्स वाई एक्सिस पे आपने ली, तो आपको पता लगा कि इन द ब्लू वायलेट रीजन्स एंड रेड रीजन्स हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज मैक्सिमम बाय बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी. थोड़ा सा वेरिएशन है, आप देख सकते हो ब्लू वायलेट रीजन में क्लोरोफिल बी ज्यादा है. तो अगर वो आपको मार्क करने के लिए देता है, इफ ही गिव्स अ ब्लैंक हियर और ही इज आस्किंग दिस, मेक श्योर कि ब्लू वायलेट रीजन में हमें क्लोरोफिल बी का पीक ज्यादा मिल रहा है. लेकिन अगर आप रेड रीजन में जाओगे तो आपको क्लोरोफिल ए का पीक ज्यादा मिलता है. यहां पर क्लोरोफिल ए ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है. उसके बाद आता है एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम इज सिंपली टेलिंग यू द कंपैरेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना. तो वेवलेंथ ऑफ लाइट है और वाई एक्सिस पे क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये कैसे वैरी करेगा? तो यहां पर हमने देखा कि एक्शन स्पेक्ट्रम भी काफी मिलता जुलता है, काफी ओवरलैपिंग है विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी. अगेन मैक्सिमम इन द ब्लू वायलेट एंड द रेड रीजन्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. देन यू कैन गेट अ ग्राफ जिसमें ये ओवरलैपिंग भी आपको दिखा सकते हैं ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम. दिस ओवरलैपिंग टेल्स अस और सिग्निफाइज दैट यस, मेजरली वी हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस. प्राइमरी पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए ही है. उसके बाद जब हम फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं बच्चों, तो एक ग्राफ आता है फॉर द लाइट इंटेंसिटी. तो अगर आप इनिशियली लाइट को इंक्रीज करोगे, इफ यू इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी इनिशियली, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. लेकिन उसके बाद देर विल बी नो फर्दर इंक्रीज. दैट इज वाई यू गेट अ हाइपरबोला इन दिस ग्राफ. आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, आपको एक हाइपरबोला मिल रहा है. क्यों? बिकॉज 10% ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर सैचुरेशन आ जाएगी. देर इज सैचुरेशन एट 10% ऑफ इंसिडेंट लाइट. फिर एक एग्जाम्पल मैं लूंगी इस चैप्टर में से, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो प्लांट हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है. इस चैप्टर को जब आप स्टार्ट करते हो बच्चों, है ना, एक छोटा सा टॉपिक है जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. हमें लगता है कि इस चैप्टर में से हॉर्मोन्स कर लिए और बात बन गई. ऐसा नहीं है. इट टॉक्स अबाउट द ग्रोथ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रोथ और द डिफरेंट वेज इन विच ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, है ना. इसको हम इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं. जिन बच्चों ने मेरे साथ इकोलॉजी पढ़ी है, मैंने आपको बताया है कि एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एरिथमेटिक ग्रोथ, जिसमें ऐसा अज्यूम किया जाता है कि रिसोर्सेज ना अनलिमिटेड है. Resources are unlimited.
तो ऐसी ग्रोथ आपको एक लीनियर ग्राफ दिखाती है, बट इट इज नॉट आइडियलिस्टिक ग्रोथ, राइट। अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करूं ना, तो ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू में दिख जाती है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टमैटिक टिश्यू काफी तेजी से ग्रो करते हैं, है ना, दे मल्टीप्लाई वेरी वेरी फास्ट। और ऐसी ग्रोथ का, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज एल इक्वल्स टू एल जीरो प्लस आर टी। यस, तो इसमें आपकी ये इनिशियल लेंथ, आपने एक पैरामीटर चूज किया है लेंथ, तो इनिशियल लेंथ क्या थी? अब जिस टाइम पर आप मेजर कर रहे हो, एंड आर सिग्निफाइज द ग्रोथ रेट, दैट इज ऑल, ठीक है। तो अगर वो पूछता है आपसे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई बच्चे बोलते हैं मैम प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाएगी क्या सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं आएगी, डोंट वरी। दे विल आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू सिग्निफाई एरिथमेटिक ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ टू सिग्निफाई एरिथमेटिक ग्रोथ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, राइट। उसके बाद जो आइडियलिस्टिक ग्रोथ है, वेयर वी अज्यूम दैट द एक्सपोनेंशियल फेज कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, क्योंकि न्यूट्रिएंट स्पेस कम हो जाएगा, है ना। तो अगर स्पेस की कमी हो गई फॉर एग्जाम्पल, या अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, सो ग्रोथ विल स्टॉप, है ना। सो दैट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसका फॉर्म्यूला मिलता जुलता है, सिर्फ हमने लॉग बेस लगा दिया है, इसमें बेस ऑफ द नेचुरल लॉग लगा दिया है। एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व सीन इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और वो कर्व हमें मिलती है एस शेप्ड कर्व और द सिग्मोइड ग्रोथ। विद मी ऑन दिस, इसी से क्वेश्चन आता है, ये इकोलॉजी में भी है, चाहे आप पॉपुलेशन की बात करो, चाहे आप सेल्स की बात करो, दिस इज द आइडियल ग्रोथ कर्व। हमें पहले मिलता है लैग फेज, एक लैग होता है ना, बिकॉज सेल्स और ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन इज स्टिल सेटलिंग डाउन टू द एनवायरमेंट। उसके बाद सडनली एक लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज होता है, जिसमें तेजी से बढ़ते हैं सेल्स या पॉपुलेशन, वॉट एवर इज इन कंसिडरेशन, ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। लेकिन द ट्रूथ इज देन इट सीज अ स्टेशनरी फेज, फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल थे क्लास 11th के ग्राफ से। अब क्लास 12th के अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं, तो इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की जरा किताब खोलोगे, तो मैंने आपको बोला था पढ़ाते हुए कि ये जो आपके बायोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से क्वेश्चन काफी रिसेंटली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, है ना। इसको ऐसे मत सोचना कि यार ये तो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा, आई नो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आई नो टेम्परेट है, आई नो कॉनिफरस फॉरेस्ट है। नहीं, ही विल आस्क यू टू मार्क, ही विल आल्सो कलर इट लाइक दिस, एंड ही विल आस्क यू टू मार्क कि कौन सा बायोम दिखाया है। तो उस वक्त ध्यान रखना, आपको घर से ये पक्का से जानकर जाना है बच्चों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दैट यू नो दैट दिस बायोम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस प्लैनेट इज कोरिस्पॉन्डिंग टू द प्रेसिपिटेशन, कितना रेनफॉल है किसी एरिया में, पहली बात, और दूसरा क्या टेम्परेचर है, कि एवरेज टेम्परेचर है, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर। उस हिसाब से, जैसे मैं आपको अगर कुछ एग्जाम्पल्स दूं, आप कैसे देख कर जाओगे, अगर उसने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, आप कैसे एग्जाम में सोचोगे, आप कैसे ग्राफ को देख के जाओगे कि यार मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इज कमिंग बिटवीन 350 टू 400, और अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो एवरेज टेम्परेचर मुझे अच्छा खासा 25 डिग्रीज मिल रहा है। अगेन, दिस इज एवरेज टेम्परेचर, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, लेकिन हम पूरे साल का देखते हैं, वी टेक द एवरेज ऑफ द इंटायर ईयर। तो अगर इतना ऐसा हाई एवरेज टेम्परेचर है और प्रेसिपिटेशन इतना हाई है, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ऐसा आप बाकी एरियाज के लिए भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आर्कटिक रीजन दूसरा एक्सट्रीम चुन लेती हूँ, तो उसमें आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं, यू विल जस्ट सी द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द बायोम डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने देखा यार रेनफॉल यहाँ पर मीन एनुअल रेनफॉल कितनी है, फिर मैंने देखा यार टेम्परेचर तो इट इज -10, एक्चुअली ये 0 to -10 तक ऐसे वेरी कर सकता है, राइट। तो अगर ये टेम्परेचर है, दिस विल बी द मीन टेम्परेचर, -10 तो लीस्ट हो गया, माई मिस्टेक। अगर मैं मीन टेम्परेचर लूं, तो
इट इज फॉलिंग बिटवीन 0 to -5 इन एरियाज में माइनस तक टेम्परेचर काफी चला जाता है, कुछ रीजन्स में -30 -40 भी जा सकता है. तो हमने एवरेज कैलकुलेट किया, तो हो ना हो जहां प्रेसिपिटेशन कम है और एनुअल टेम्परेचर इतना कम है, इट हैज टू बी अ टुंड्रा रीजन. यस, उसके बाद रिस्पॉन्स वाला ग्राफ, इसमें से क्वेश्चन आता है. अडेप्टेशन से ये रिलेटेड है. ऑर्गेनिजम्स तीन तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं टू देयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, है ना. दे कैन बी रेगुलेटर्स, दे कैन बी कन्फर्मर्स और दे कैन बी पार्शियल रेगुलेटर्स, है ना. तो रेगुलेटर्स जैसे कि हम हो गए, वी रेगुलेट आवर इंटरनल एनवायरमेंट. Confirmers will not regulate their internal environment. They will conform to the environment. For example, plants ho gaye, mammals ho gaye, okay? And example, squirrels ho gaye, hai na? They are partial regulators. Ye kuch samay tak to regulate karenge, but then after that they'll have to confirm, because regulation is an expensive phenomenon. I've explained it to you in the chapter organism and population. With me, let's go to the population growth curve. ये मैंने आपको बार बार बताया था. इसमें से short question आता है. There are two types of population growth curves. One जो मैंने अभी arithmetic growth के ही corresponding आपसे discuss किया, exponential. For example, bacteria in a culture medium. है ना, तो इनिशियली यू विल सी या मस्किटोज इन द ब्रीडिंग सीजन. किस टाइम पर तुम मेजर कर रहे हो ग्रोथ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो आपको एक्सपोनेंशियल दिख सकता है. फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व यू विल गेट द इक्वेशन dN/dt. ये हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं. चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी dN/dt इक्वल्स टू rn. सो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज द r. लेकिन जो सिग्मॉइड कर्व है, अगेन आइडियलिस्टिक पॉपुलेशन कर्व है, वेयर के और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हैबिटेट इज इम्पॉर्टेंट. एक पर्टिकुलर हैबिटेट किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को एक लिमिट तक ही सस्टेन करेगा, उसके बाद इट कैनॉट सस्टेन. दिस फैक्टर इज आइडियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. दिस इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. और इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, बट हियर वी हैव कंसिडर्ड द कैरिंग कैपेसिटी. सो के माइनस एन अपॉन के, इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं. नंबर वन, शेप ऑफ द कर्व, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द कर्व फॉर द गिवन ग्रोथ. लॉजिस्टिक भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है, एंड फॉर्म्यूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. यू हैव टू लेबल द फॉर्म्यूला. इज इट क्लियर? लिखते जाएंगे मेरे साथ काफी स्पीड से, एनसीईआरटी खोलकर रिवाइज करते जाएंगे. ये हमारा लास्ट फेज है प्रिपरेशन का, जिसमें आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू, टू रिंग द अलार्म फॉर यू एंड टू टेल यू कि यार ये टॉपिक मिस मत कर देना. आई नो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आई नो तेज रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ये मत मिस कर देना, ये कहीं छुपा हुआ है ग्राफ डायग्राम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसलिए मैं ये सेशंस आपके साथ करती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट योर फॉल्ट. सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम पास आता जा रहा है, और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना काम है. सो आई एम रिमाइंडिंग यू कि ये ग्राफ्स आप मिनट्स में देख सकते हो, सेकेंड्स में. यू जस्ट नीड अ ग्लांस एंड योर क्वेश्चन विल बी डन. कूल, अगला चैप्टर आता है जी, बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन. मैम इसमें से क्या ग्राफ आ जाएगा, सोच के देखो. क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था, साउथ अमेरिकन जंगल्स वाला टॉपिक, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. इंसान का नाम भी इंपॉर्टेंट है, हम्बोल्ट. इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स में जब अपनी एक्सप्लोरेशन की, वॉन हम्बोल्ट, है ना, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने कहा कि कुछ एरिया तक, कुछ टाइम तक अगर मैं एरिया ज्यादा कवर कर रहा हूं तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है. बट अगेन द रियलिटी इज हमेशा ऐसे नहीं होगा. अगेन यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इज इट क्लियर पीपल? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा.
क्योंकि कुछ टाइम बाद स्पीशीज रिचनेस एरिया के साथ नहीं बढ़ेगी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्यूला, लॉग वाला फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए. दिस कैन बी आस्क्ड. इसको बच्चे सोचते हैं कि ये मैथ्स का फॉर्मूला है, लॉग का मेरा क्या काम है. नहीं, दे डायरेक्टली आस्क व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्मूला, और आपकी चॉइस में लॉग वाला फॉर्मूला होगा. फिर मत सोचना कि यार ये तो खामखा नेगेटिव मार्किंग या अनअटेम्प्टेड रह गया. S equals to C A Z. यहाँ पे जो Z की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है. इसके बारे में पूछ लेता है कि Z की वैल्यू जो कि आपकी रिग्रेशन कोफिशियंट है, ये आपको क्या बताती है. हमने डिस्कस किया था कि अगर ये स्लोप स्टीप है तो उसका क्या मतलब है. अगर ये स्लोप स्टीप है तो यानी कि स्पीशीज रिचनेस अच्छी खासी है इस इकोसिस्टम में, राइट. यूजुअली अक्रॉस द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ये वैल्यू 0.1 टू 0.2 तक रहती है. अगर मैं पूरा कॉन्टिनेंट ही कंसिडर कर लूं तो फिर ये 0.6 टू 1.2 तक जा सकती है. तब ये रेंज थोड़ी सी बढ़ सकती है, बट दिस इज द कॉमन वैल्यू विच इज सीन बाय द इकोलॉजिस्ट्स. कूल पीपल, वेरी गुड. ये फॉर्मूला यार लर्न करके जाना. यू डोंट वॉन्ट टू लूज मार्क्स ऑन समथिंग दैट इज सो ईजी, सो गिवन, है ना. एक काम और कर सकते हो, इन फॉर्मूला को कहीं लिख लो. अगर आपको लगता नहीं मैम ये नहीं हो रहा, इनको एक लिस्ट बना लो फॉर्मूलाज की या ग्राफ्स की एंड पेस्ट इट समवेयर. रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद मेक इट अ रूटीन कि आपने यू जस्ट गिव इट अ ग्लांस. और बार बार देखने से ही याद होगा, और कोई इसका तरीका नहीं है. उसके बाद हम जाते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज पर. एनवायरमेंटल इश्यूज में जो मैं टॉपिक बताने वाली हूं ना आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर करके एज एन इकोलॉजिस्ट, एज अ पर्सन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, आई कैन सी कि मेरी जो वाटर बॉडी है इन क्वेश्चन वो कितनी पोल्यूटेड है, कितनी दूषित है. और आप देखो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो कि मैं क्या मेजर कर रहा हूं. जब आपने वाटर बॉडी में सी एच डिस्चार्ज किया, जैसे ही आपने सी एच डिस्चार्ज किया तो क्या हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में सडन इंक्रीज हो गया. क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका जो यहाँ पे स्पेशली डोमेस्टिक सीएच की बात हो रही है, विच इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. मैं तुम्हें बीओडी का कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ थ्रू दिस ग्राफ. अब ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब वेजिटेबल मैटर, एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए पार्टी टाइम है. उनको ये पता है कि जैसे ही ये सामान आएगा, वी हैव टू स्टार्ट आवर डीकम्पोजिशन. हमारी तो ये आदत है, दैट इज देयर वेरी प्रेजेंस. तो अब वो डीकम्पोजिशन के लिए उनको चाहिए ऑक्सीजन, एंड दैट इज योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. वो वाटर बॉडी से सारी ऑक्सीजन खींचने वाले. और इसीलिए एट द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज खींचने वाले हैं, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सीज अ डिक्लाइन. सो विल टेल यू टू मार्क और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ वाटर इन अ वाटर बॉडी वेयर सीवेज इज डिस्चार्ज्ड. ठीक है, तो उसके बाद वंस दे आर डन विद द डीकम्पोजिशन, कभी तो खत्म होगी, फिर ऑक्सीजन वापस आ जाएगी. तो बीओडी हमारी घट गई और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ गई. तो मैं आप कहोगे मैम नुकसान क्या है. अरे ये जो ट्रांजिशन है ना, इस टाइम पे दे विल बी डेथ ऑफ द फ्लोरा एंड फौना इन द वाटर बॉडी. ठीक है, तो बच्चों द टारगेट, द एम ऑफ मीटिंग यू टूडे, मैंने हमेशा आपको बोला है सैटरडे इवनिंग इज टू टेल यू कि अभी बहुत कुछ है और सही रास्ते पर चल रहे हो. यू विल डू इट. आपकी सिलेक्शन नहीं होगी तो किसकी होगी, राइट. लेकिन सही काम करने से, सही मेथड फॉलो करने से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ही बात बनेगी. मैं यहां हूं आपके साथ टिल द एग्जाम डे.
आपको ये हमेशा बताने के लिए कि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। मैंने जो आज ग्राफ्स लिए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन एवरी ईयर वन फॉर्म और दी अदर आ रहा है। अपने सिर्फ भेस बदल कर क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से आ रहा है, तो फटाफट ये सेशन देखते ही ना फटाफट इनको रिवाइज कर लो, एंड आई टेल यू, यू विल गेट देयर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सब्सक्राइब टू आकाश बायजूस नीट चैनल, बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग मेनी मोर सच अमेजिंग सेशंस फॉर यू, राइट, टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर।